उज्जैन जिले में किसान बड़ी संख्या में बटले की खेती करते हैं। किसानों का कहना है कि करीब 2.5 महीने की मेहनत करने के बाद बटले की फसल आती है और इस समय बटले की भरपूर आवक है। हम इसे बेचने जा रहे हैं तो बाजार में हमें दाम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हमारी मेहनत मजदूरी और बीज बिजवारे के पैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं और बटले की खेती हमको लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही है। जहाँ एक ओर केंद्र सरकार कानून लागू कर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दावे भी किए जा रहे हैं कि किसान अपनी फसल को घर बैठे बेच सकता है उसके निर्धारित दर के अनुसार और उसका कृषि बिल लागू होने के बाद फायदा होगा, पर धरातल पर असर दिखाई नहीं दे रहा है और उस समय किसानों के लिए खेती घाटे शुदा साबित हो रहा है। बटला ना तो किसानों का घर में बिक रहा है और ना मंडी में उचित दाम बिक रहे हैं। इन किसानों की मेहनत मजदूरी के बीज बिजवारे का पैसा सहित कुछ मुनाफा मिल सके, कुल मिलाकर इस समय किसानों के लिए खेती घाटे सौदा हो रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? भानु प्रकाश पाटीदार। कहाँ रहते हैं? गाँव विक्रम नगर मौलाना, तहसील बटनगर, जिला उज्जैन। बताइए बटले के क्या भाव चल रहे हैं और बटला किस प्रकार से किसानों को फायदा हो रहा है और किस प्रकार से क्या हो रहा है बटले के अंदर? आज भाई साहब देखो, बटले की स्थिति ऐसी हो रही है कि किसान को जो लागत लगाई है उसका भी मूल्य नहीं मिल रहा है। लागत अभी की फिलहाल स्थिति में बीज के अलावा, अगर आप देखो जाए बीज, खाद, बीज और पानी के अलावा भी अगर देखिए तो मजदूरी 1 किलो 4 रुपये किलो में पड़ रहा है अभी तोड़ने का केवल। मैं आज मटर बिक रहा है 5 रुपये, 5.5 रुपये, कभी 6 रुपये, तो इस बीच किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है इस भाव में। तो सरकार परेशान है, सरकार भी सरकार का तो कहना है किसानों के लिए खेती फायदे का सौदा बने, इसलिए कानून लागू किए जा रहे हैं, किसान खुद अपनी फसल के भाव निर्धारित कर सकते हैं, किसानों को फायदेमंद के लिए काम किए जा रहे हैं, फिर क्या है? सही बात है, लेकिन आज किसान केवल बातें करती है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। किसान आज पूरी तरह से परेशान है। किसान इस बात सरकार इस बारे में कुछ ना कुछ सोचे, निर्णय ले, सब्जी के बारे में निर्णय ले, कि आज किसान की स्थिति ऐसी है कि जो बो रहा है उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आलू देख लो आप, आलू अभी 25 से 27 रुपये, 30 रुपये निकलने से पहले ये स्थिति थी, आज की कंडीशन में 8 रुपये से 10 रुपये आलू की स्थिति हो गई है मार्केट में। और पैदावार में देखो तो पैदावार भी कुछ नहीं मिल रहा, प्रकृति की मार हो रही है। अभी बारिश हो गया था, बारिश में फसल का नुकसान हुआ है, मटर का नुकसान हुआ, प्याज का नुकसान हुआ। बताइए क्या नाम है आपका? दुर्गेश। कहाँ रहते हैं? मौलाना। कितनी फसल में आपने जो बटला बोया, कितने बीघा बोया? 6-7 बीघा में बटले बोए हैं। 6-7 बीघा के अंदर क्या भाव चल रहा है अभी बटले का? 5 रुपये। 5 रुपये किलो। फायदा हो रहा है? अच्छा बढ़िया। फायदा नहीं हो रहा है। क्यों क्यों फायदा नहीं हो रहा है? कई भाव तो मिले नहीं रहे, 2 रुपये तो दाड़के दे रहे हैं दाड़के को। अच्छा, तो बचत नहीं हो रही कुछ भी क्या? कोई बचत ही नहीं है। 5 रुपये क्या? 5 रुपये किलो बिक रहा है? बस। हाँ, कहाँ जा रहा है बटला अपने यहाँ का, कहाँ जाता है? बदनावर बड़ौदा। इतनी दूर? इतनी दूर पहुँचाते और 100 रुपये कट्टे का तो भाड़ा हो जाता है उसकी। अच्छा, फिर कैसे क्या करेंगे, फिर कैसे लागत निकाले? 400 रुपये कट्टे का पैसा आ रहे हैं खाली। हाँ, उसमें 200 रुपये मजदूरी हो जाती है, 100 रुपये भाड़ा हो जाता है। अच्छा, फिर बटले की में कोई बचत नहीं हो रहा इस समय आपको? कोई बचत नहीं, बीज के पैसे नहीं निकल रहे खाली। कितने महीने में आती है बटले की जो फसल है? 2-3 महीने। मेहनत करते हो और बचत क्या हो रहा है? बचत ही नहीं हो रही है और घाटे में जा रहे हैं। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।